हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजाज इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप जानते हो, इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया है। इसके साथ साथ 58 ऐप्स भी इंडिया में बैन हो चुके हैं। तो ये टोटल जो 59 ऐप्स है, उसमें से अगर हम चेक करते हैं, सबसे पहले इसमें देखिए टिकटॉक, ठीक है, यहाँ पर ये टिकटॉक नहीं दिखाई देगा आपको, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पर अगर आप लाइकी की बात करें तो लाइकी अभी भी है, जो कि चाइनीज ऐप्स है और लिस्ट में है 59 ऐप्स में जो है, ठीक है। तो उसके कारण टिकटॉक अभी बैन हो गया और धीरे धीरे करके सब चीज़ बैन हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें अगर मैं हेलो लिखता है, ठीक है, हेलो ऐप्स, ये देखिए हेलो ऐप्स भी यहाँ से हट चुका है, इसमें नहीं है। हाँ, हेलो ऐप्स डिस्कवर ये लिखा है, पर ये इसकी गाइडलाइन है, मतलब हेलो ऐप्स इधर से हट चुका है। तो इसके कारण बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो इधर से हट चुके हैं, ठीक है। ड्यू, बैटरी सेवर, ये देखिए ये हटने का बाकी, ठीक है। पर अगर इसकी जगह हम ड्यू रिकॉर्डर टाइप करते हैं तो ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर आ रहा है, पर ड्यू रिकॉर्डर नहीं आया, मतलब ये भी हट चुका है। ऐसे करके बहुत सारे जो ऐप्स हैं वो हट चुके हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनका रिएक्शन क्या है, जो चाहते थे कि भाई इंडिया में टिकटॉक बैन हो जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं एल्विश यादव को आपको वीडियोस दिखा देता हूँ, उनकी स्टोरी में क्या लिखा है उन लोगों ने, ठीक है, ये देखिए। चलो जी, फाइनली टिकटॉक बैन हुआ, मेहनत सफल। सो गाइस, फाइनली टिकटॉक बैन हो चुका है, मेरे को इतना ज्यादा बुरा लग रहा है, कसम बता रहा हूं। ओ भाई, क्या चल रहा है? देखो बात ऐसी है, जो बंदा टैलेंटेड था, नाचता था, गाता था, बहुत अच्छी चीजें करता था, वो अपना घर कहीं भी चला लेगा, चाहे वो टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कहीं भी चला लेगा। पर जो बेचारे लिपसिंग करते हैं उनको क्या होगा यार, उनको अपनी दुकान में बैठना पड़ेगा। वाह मोदी जी वाह, ये तो आपने मजा इनटू 100 दिला डाला। फीलिंग बैड फॉर टाइसू, पदनाम एंड पियास। ओ अच्छा, मतलब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की टीम मोदी जी अपनी टीम में थे। देखिए आपने एल्विश यादव का क्या कहना था, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्टली हम आपको दिखाते हैं ये एक और, ठीक है, लक्ष्य चौधरी का। फिजो भैया, आप सेलिब्रिटीज नहीं रहे, टिकटॉक बैन। वीडियो डिलीट कराई थी ना भोजरेडी वालों, वीडियो डिलीट कराई थी ना। चिल्ला नहीं सकता घर वाले हैं, वरना कांड फाड़ देता चिल्ला के। मजा आ गया। एल्विश यादव, छोटा मोटा गेम नहीं खेलने का मोदी जी, आज तो नंगे होके नाचो। पहली बार क्या डिलीट करवाया था वीडियो। देखिए आपने लक्ष्य चौधरी का क्या कहना था। तो इनका एक और वीडियो है जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। इट इज पार्टी टाइम, दिन में बड़ा डीजे लाएंगे अभी यहाँ पे ना, डेविड गिट्टा को बुलाएंगे, यही मोहल्ले में सेलिब्रेशन करेंगे। वीडियो उड़वाए थे ना ये, हम मोदी जी को कॉल किए, पूरा प्लेटफॉर्म ही गायब करवा दिए। फिर जो भैया अब सेलिब्रिटी नहीं रहे, अब मोस्को वाले भैया जो इन्फ्लुएंसर होने का दावा करते थे, अपना एंगेजमेंट अच्छा बताते थे, अब उनका एंगेजमेंट इन्फ्लुएंसर पना सब चला गया। उनको बहुत मिस करूंगा मैं, वे जो ऐसे करते थे ना, आज तुझे आसमान में लेके चलूं, चांद को उसके औकात दिखाने, तुम मेरी महबूबा। एक वो वाले भैया जो जिनकी जो लाइन बड़ी शार्प थी ना, वो ऐसे करके आते थे, वो बीट बजते। और भैया सीपी तो सुना सुना लगेगा बहुत, और हेयर कलर करने वालों को तो धंधा ही ठप हो गया भाई, क्या कर दे गवर्नमेंट ने। देखिए आपने इनका क्या कहना था। तो इस तरीके से बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कहा, पर अभी तक कैरी मिनाती का एक भी अपडेट नहीं आया, और जैसी कैरी मिनाती का अपडेट आएगा तो मैं अपने इस चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। और आप क्या चाहते हो, चलिए एक बार आशीष चंचलानी का भी देख लेते इनका क्या कहना है। ये 2020 में साला एक ही आदमी खुश है, वो है कैरी मिनाती। इट ऑलमोस्ट 7 AM सिंस द लास्ट 40 मिनट आई एम डिस्कसिंग, उनका एक निकलने वाला था डार्क, तो उसके बारे में वो सोच रहे थे, ठीक है, ये हो गया है। अब आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसमें देखिए रविशंकर प्रसाद, ठीक है, फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी डिफेंस सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू प्रोटेक्ट डाटा एंड प्राइवेसी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट हैज़ बैन 59 मोबाइल ऐप्स। जय हिंद। इस तरीके से IT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अपडेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन 59 मोबाइल ऐप विच आर prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order. Read the press release. यहाँ पर आप क्लिक करके वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके ये देख सकते हैं। अब देखिए हर्ष बेनीवाल का क्या कहना है इसमें। मैं तो यही सोच रहा हूँ उनका क्या होगा, जिसके बायो में एक्टर ऑन टिकटॉक लिखा था।
एक और पोस्ट किए उन्होंने पबजी आफ्टर टिकटॉक बैन, क्योंकि पबजी चाइना नहीं है, ठीक है, चाइना ऐप्स नहीं है, वो साउथ कोरियन ऐप्स है, तो इसके कारण पबजी सोचे भाई हमारा तो लिस्ट में नाम नहीं आया। उसके बाद आशीष चंचलानी का भी क्या कहना, ये 2021 साल एक आदमी खुश है, जैसे कि मैंने आपको बताया उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी वही ट्वीट किया और ट्विटर पे भी। फाइनली टिकटॉक बैन, फेसबुक भैया इज नो मोर एन इन्फ्लुएंसर, ये लक्ष्य चौधरी का कहना है। लक्ष्य चौधरी एक और बार ट्वीट कर रहे हैं, टिकटॉक बैन, छपरी बॉयस अनएम्प्लॉयड हो गए, आधा बॉम्बे बेरोजगार और सीपी भी सूना सूना हो गया। देखा, ये कहना है इनका, अब आपको बताना है कि भाई क्या है आखिर में इसके पीछे का रीज़न, ठीक है।